हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोटिवेशन। मोटिवेशन में देखो, आपको ये क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं आपको। फर्स्ट है, सेलिंग इज़ अ बाउंड्री जॉब, देयरफॉर मोटिवेशन इज अ नेसेसरी एस्पेक्ट ऑफ सेल्स मैनेजमेंट, डिस्कस। सेकंड है, डिस्कस द थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। और थर्ड है, विच आर द मोटिवेटिंग एंड डीमोटिवेटिंग फैक्टर्स फॉर सेल्स फॉर इवेल्यूएशन। तो आज का अपना टॉपिक है मोटिवेशन। स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मैं, आप लोग देखिएगा उसमें। तो व्हाट इज मोटिवेशन? मोटिवेशन इज द वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड मोटिव। मोटिव मीन्स नीड्स, डिजायर, वॉन्ट्स और ड्राइव्स विद इन द इंडिविजुअल्स। ऐसी चीज या ऐसी थिंग्स जिससे हम सामने वाले को मोटिवेट करें कुछ काम करने के लिए। तो मोटिव मतलब कौन सी ऐसी चीज है जो सामने वाले के अंदर की नीड्स या डिजायर्स या उसको मोटिवेट कर रही है काम करने के लिए। ये एक प्रोसेस होता है जिसमें लोगों को स्टिमुलेट किया जाता है। एक्शंस मतलब मोटिवेट करना, मोटिवेट मीन्स स्टिमुलेट करना पर्सन को कि वो कुछ काम करे, एक्शंस, और जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो अकम्प्लिश करें। देखो, हम अभी सेल्स फोर्स की बात करें, इट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन की। अगर हम पर्सनली बात करें तो पर्सनली सामने वाले को मोटिवेट करना या स्टिमुलेट करना उस पर्सन को कि वो कुछ करे, मतलब वो कुछ एक्शंस में आए और जिसकी वजह से उसके गोल्स हैं वो क्या हो सकें, फुलफिल हो सकें। ये एक थियोरिटिकल एस्पेक्ट है। इसमें हम ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लेन करेंगे। इन दिस वी एक्सप्लेन द ह्यूमन बिहेवियर। मोटिवेट, मोटिवेशन को देखो दो तरीके से समझा जा सकता है। क्या मोटिवेट करता है सेल्स पीपल को, और सेल्स पीपल, हाउ सेल्स पीपल चूज देयर एक्शन। तो क्या मोटिवेट करता है? मोटिवेट मीन्स द रीजन बिहाइंड द इंटेंसिटी एंड परसिस्टेंस ऑफ मेंटल एंड फिजिकली एफर्ट एक्सपैंडेड। मेंटली मोटिवेट करना मतलब मेंटली इतना स्टिमुलेट करना कि उसके एक्शंस, फिजिकली एफर्ट्स दिखे। ठीक, तो क्या मोटिवेट करता है सेल्स पीपल को, उनका रीजन है। नेक्स्ट है, हाउ सेल्स पीपल चूज देयर एक्शंस। हाउ सेल्स पीपल चूज देयर एक्शन, इट मीन्स द डायरेक्शन और डिसीजन टू एंगेज इन स्पेसिफिक एक्शन इन स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस। ये देखिए, हाउ सेल्स पीपल चूज देयर एक्शन, इट मीन्स जो डायरेक्शन मतलब जो पाथ उन लोगों ने, देखो ये पाथ है ना, ये डायरेक्शंस मतलब वो किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो वो कैसे पता चलेगा वो किस टाइप के डिसीजंस ले रहे हैं, कौन से सर्कमस्टांसेस में, विच टाइप्स ऑफ डिसीजंस दे आर टेकिंग इन सर्टेन या स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस। आगे देखो, मोटिवेशन थियोरीज, मोटिवेशनल थियोरीज हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके लिए तीन थियोरीज इम्पॉर्टेंट है, एक मैस्लो की, एक हर्ज़बर्ग की और एक रूम की एक्सपेक्टेंसी थ्योरीज। इसके पहले हम देखेंगे अभी थ्योरीज के पहले ये। सेल्स पीपल नीड्स क्या है, मोटिवेशन की नीड्स क्या है? सेल्स पीपल्स आर मोटिवेटेड बाय डिफरेंट नीड्स। तो देखो पहली क्या है, नीड क्या होती है? देखो, सबको ही चाहता है कि उसकी एक पहचान हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो जो पहचान हो, रिकॉग्निशन होता है, तो ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं जो सेल्स पीपल को मोटिवेट करते हैं अपना काम बहुत अच्छे से। तो ये रीजंस हैं उसके पीछे के। देखिए, सबसे पहला है नीड फॉर स्टेटस मतलब रिकॉग्निशन, प्रमोशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर अपन जाते हैं और वहाँ पे अपन को लोग पहचानते हैं, जो रिकॉग्निशन मिलता है, स्टेटस मिलता है, इसकी वजह से भी रीजन है मोटिवेशन का। दूसरा, कंट्रोल, नीड टू बी इन कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस अदर्स। हमारे नीड टू बी इन कंट्रोल। दूसरी चीज क्या है, हमको कंट्रोल में रहना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, अगर हमको मोटिवेट करती है
तो साथ में कंट्रोल भी करती है. इसका मतलब ये नहीं कि हमारे एक्शंस गलत डायरेक्शंस में जाएं, ठीक है, क्योंकि और हमसे दूसरे इन्फ्लुएंस भी होते हैं. नीड फॉर रिस्पेक्ट, नीड टू बी सीन एज एक्सपर्ट्स हु कैन गिव एडवाइस. हम चाहते हैं कि अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करें तो लोग हमारी रिस्पेक्ट करें, हमसे एडवाइस लेने आए, लोग हमको एक्सपर्ट समझें. तो ये नीड, तो मतलब ये सब सेल्फ रिकॉग्निशन नीड्स हैं जो एक सेल्स पर्सन को मोटिवेट करती हैं किसी काम को करने के लिए. नेक्स्ट देखो इसमें नीड्स में, ये नीड फॉर रूटीन, एक ऐसा रूटीन जो इंटरप्टेड नहीं हो, आज कुछ दे दिया काम, कल कुछ और दे दिया, नहीं. तो नीड टू फॉलो अ रूटीन दैट मस्ट नॉट बी इंटरप्टेड. नेक्स्ट देखो नीड मोर मनी एंड चैलेंजेस, मनी चाहिए, स्टेटस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सबको बढ़ाना है, अकम्पलिशमेंट बोल सकते हैं. नीड टू सीक आउटसाइड स्टिमुलेशन एंड चेंजेस, आउटसाइड मोटिवेशन भी रिक्वायर रहता है. नीड टू बिलीव इन राइटनेस ऑफ देयर प्रैक्टिस मीन्स ऑनेस्टी वगैरह. कंटेंट्स देखो, मोटिवेशन के कंटेंट्स एंड टेक्निक्स देखो. मोटिवेशनल टूल्स शुड सेटिस्फाई एटलीस्ट टू क्राइटेरिया. पहला, शुड जनरेट एक्स्ट्रा एफर्ट दैट विल हेल्प द कंपनी टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव. आपको इतना मोटिवेट करते हैं या ऐसा मोटिवेशन होना चाहिए. देखो जो सेल्स मैनेजमेंट होता है, मींस जो एचआर डिपार्टमेंट होता है या पर्सनल डिपार्टमेंट या जो आपके लीडर्स होते हैं या जो आपके मैनेजर्स होते हैं, वो आपको इस तरीके से मोटिवेट करते हैं. या ऑर्गेनाइजेशन में जो सेल्स फोर्स, जो मेन सेलिंग उनका रहता है काम करना, अगर वही मोटिवेट नहीं रहेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलेगी. इसलिए should generate extra effort that will help the company to achieve its objectives. Next, देखो must increase job satisfaction among sales people. Job satisfaction होगा तो वो already anytime motivated रहेंगे. कोई भी person अगर उसको पता है कि इस organization में उसके पास job satisfaction है तो वो वहाँ पर बहुत अच्छे से काम करता है. Next, देखो a manager must know what techniques can be applied so that he can motivate his sales people. मैनेजर को हमेशा पता होना चाहिए, और उसको हमेशा पता ही होता है कि किस सिचुएशन में कैसी टेक्निक यूज करनी है. और देखिए मोटिवेशन दो टाइप्स के भी हो सकते हैं, एक होता है पॉजिटिव एक होता है नेगेटिव. पॉजिटिव में क्या देते हैं हम लोगों को, जॉब सिक्योरिटी है ना, सैलरी इंक्रीमेंट, बोनस देना, तो ये सब होता है पॉजिटिव. नेगेटिव क्या होता है, डांटना, पे कट्स, सैलरी कट्स, तो ये सब होते हैं नेगेटिव. तो मोटिवेशन दो टाइप्स होते हैं. तो एक मैनेजर किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उसको बहुत अच्छे से पता होता है कि सामने वाले को कब मोटिवेट करना है और किस टाइप से मोटिवेट करना है, मतलब पॉजिटिवली करना है कि नेगेटिवली करना है. आगे देखते हैं अभी अपन. ये देखो मेथड्स और टेक्निक्स में जो सेल्स पर्सन को क्या जाना है, सबसे पहला देखो क्या मेथड्स या टेक्निक्स एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर जो सेल्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट रहता है, इट मींस जो अपने मैनेजर्स रहते हैं वो क्या टेक्निक्स यूज करते हैं जो सेलिंग के लिए, पर्सनल सेलिंग के लिए जो सेल्स पर्सन होते हैं जिनको अपॉइंट किया जाता है, तो उनके लिए क्या टेक्निक्स वो यूज करते हैं. सबसे पहले देखो फेयर रेम्यूनरेशन, एक तो पॉजिटिव है, ऊपर से फेयर रेम्यूनरेशन क्या बेसिक होता है, सबसे बेसिक. अगर किसी की ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करना है ना, तो उसको फेयरली रेम्यूनरेट करो. उसका जो नेचर ऑफ जॉब है, उसका जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, पे स्केल्स हैं, अच्छे से इवैल्यूएट करके डिटरमाइन किया जाता है, तो ऑलरेडी पर्सन स्टार्टिंग से ही मोटिवेट रहता है. यस, उसको एक अच्छा जॉब मिला है अच्छी पे के साथ, जिससे वो अपने नीड्स को फुलफिल कर पा रहा है. नेक्स्ट देखो रियलिस्टिक गोल्स. नेक्स्ट एक मीडियम होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का जो सेल्स पर्सन को मोटिवेट करने का, रियलिस्टिक गोल्स. ऐसे गोल्स नहीं तो हम अचीव ही नहीं कर पा रहे हैं, बोगस गोल्स नहीं, रियलिस्टिक गोल्स होने चाहिए जो अचीवेबल हो, प्लस रियलिस्टिक होने चाहिए. और उनको ऐसे नहीं लगना चाहिए कि वो लेस केपेबल है इस गोल्स को अचीव करने के लिए, तो उनको उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उनको उन गोल्स दिए जाते हैं. समटाइम्स ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, गोल्स को धीरे धीरे बढ़ाते जाती है, क्योंकि उनको पता है, उनको जिस सेल्स पर्सनल के अंदर एक पोटेंशियल दिखता है, तो उनके वो जो गोल्स होते हैं वो धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं. तो उनसे क्या होता है, उनका पर्सनल स्किल्स भी डेवलप हो जाता है जो सेल्स पीपल होते हैं या जो सेल्स फोर्स होते हैं. नेक्स्ट देखो
सेल्स कॉन्फ्रेंस एंड कन्वेंशन, ये मेथड यूज किया जाता है, टेक्निक्स या बोल सकते हैं क्या होता है, सारे सेल्समैन होते हैं जो कंपनीज के एट अ पॉइंट पे बुलाए जाते हैं, या मंथली बुलाओ या ईयरली बुलाओ या जो भी, और जो सेल्स एग्जीक्यूटिव होते हैं टॉप रैंक को उनको ऑनर किया जाता है, उनसे दूसरे जो सेल्स एग्जीक्यूटिव मिलते हैं और जो फ्यूचर्स जो सेल्स होते हैं वो डिस्कस करते हैं। इसका मेन पर्पस क्या होता है, जो सेल्स पर्सन है आपस में अपने कॉन्टेक्ट बनाए, अपने आइडियाज और व्यूज एक्सचेंज करें, फ्यूचर्स प्लान करें, तो इससे क्या होता है एक तरीके की सेल्स आर्मी डेवलप होती है, सेल्स कॉन्फ्रेंस एंड कॉन्वेंशन पे। नेक्स्ट देखो प्रमोशंस, प्रमोशंस, प्रमोशंस तो सबको पता है क्या होता है, पर्सन जो भी अपन ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं तो अपन ऑलवेज क्या एस्पायर करते हैं कि हम हमेशा हायर पोस्ट में जाए। ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि अपना स्टेटस बनाए, दूसरों से अलग दिखें, तो इसके लिए सेल्समैन तो कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो जो अपॉर्चुनिटीज होती है हायर पोस्ट के लिए मार्केटिंग फील्ड में सबसे ज्यादा होती है, जो जितना टारगेट अचीव करता है उसको उतना ही अच्छा प्रमोशन किया जाता है, ठीक है। और नॉर्मली जो प्रमोशन किया जाता है वो ऑनर किया जाता है इंटरनल पीपल को, कि अपनी एबिलिटी और एक्सपीरियंस के साथ अपना इंक्रीज करें, और जिसका एबिलिटी और एक्सपीरियंस बढ़ते जाता है उनको टाइम टू टाइम प्रमोट किया जाता है, समटाइम्स उनको ब्रांच मैनेजर जैसे प्रमोट किया जाता है, सेल्स मैनेजर, एरिया सेल्स मैनेजर, जिससे उनका इनकम हो सके। समटाइम्स क्या होता है डेजिग्नेशन प्रमोशन नहीं देके क्या बोलते हैं सैलरी प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट देखो इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस विद सेल्समैन इन स्पाइट ऑफ बेस्ट एफर्ट्स, जो परफॉर्मेंस ऑफ जो सेल्समैन होती हैं वो कभी कभी अफेक्ट होती है, जो उनके सेल्स होते हैं ना वो शो करते हैं। देखो पॉजिटिव भी होती है फैक्टर्स तो नेगेटिव भी होगी, समटाइम्स आपके दिन अच्छे जाएंगे कुछ बुरे जाएंगे, तो सर्कल ऑफ लाइफ सेम है सर्कल ऑफ सेलिंग, समटाइम्स आप अच्छा सेल करेंगे, समटाइम्स आप मार्केट में सेल नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका मार्केट वैसा है ही नहीं। तो ऐसी सिचुएशंस को आपको पहले से ही प्रिपेयर रहना है, तो इससे ये तो देखो सबसे बड़ा फैक्टर उसमें क्या होता है एक्सपीरियंस, जो आपके एक्सपीरियंस सेल्स पर्सन होते हैं उसके साथ आपकी कॉन्फ्रेंस करवाई जाती है, बात करवाई जाती है, आप अपना प्रॉब्लम्स बताएंगे, वो आपको सॉल्यूशंस बताएंगे, वो आपको मोरल मतलब आपके जो मोरल को कीप अप करेंगे, आपको रियल सिचुएशन बताएंगे, आपके साथ जाएंगे एकदम, तो ये सब एक वे होते हैं। नेक्स्ट देखो जॉब सेटिस्फेक्शन, अगर आपको पता है कि आपको अगर आपने किसी कंपनी में जॉब ली है स्टार्टिंग है ना, और आपको एक साल का बॉन्ड भी यस, तो आप बोलेंगे यस एटलीस्ट मेरा एक साल का जॉब तो सेफ है, जॉब सिक्योरिटी, और जैसे ही आप उसमें अच्छे से काम करेंगे है ना, देखो सॉरी ये मैं आपको जॉब सिक्योरिटी का बता रही हूँ, सेटिस्फेक्शन का नहीं, जॉब सिक्योरिटी है ना, जैसे आप अच्छे से एक साल काम कर लेते हैं आपको प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है, फिर आपको आगे आपका टर्म को इंक्रीज किया जाता है, तो आपको मन में रहता है यस एटलीस्ट आपको जॉब सिक्योरिटी है, आपके पास जॉब है, अब आप इतने मोटिवेट होते हैं कि आप उस काम को अच्छे से करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट स्टेज क्या होता है उसमें आपका प्रमोशन, सैलरी इंक्रीमेंट, एक स्टेटस। नेक्स्ट देखो जॉब सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन मीन्स आप अपने काम से खुश हैं कि नहीं, तो मैनेजमेंट प्रॉपरली आपको उसलिए जॉब दिया है क्योंकि आप उस जॉब के लायक हैं, इट मींस आपका आपने अप्लाई भी इसलिए किया था, इट मींस आपके एटीट्यूड्स, आपके इंटरेस्ट, आपके जो कैपेसिटीज हैं वो उस जॉब के अकॉर्डिंग हैं, इसलिए आपको जॉब सेटिस्फेक्शन है। सबसे बड़ा मोटिवेशन फैक्टर होता है जॉब सेटिस्फेक्शन और सिक्योरिटी। नेक्स्ट देखो ऑनेस्टी एंड कॉम्पिटेंट लीडरशिप, अगर आपके लीडर्स और मैनेजर्स ऑनेस्ट हैं है ना, इम्पार्शियल हैं, आपकी उसमें सिंपैथिक हैं और आपको अंडरस्टैंड करते हैं आपके होप्स को, आपके एस्पिरेशंस को, आपके इमोशंस, आपके सेंटिमेंट्स, आपके प्रॉब्लम्स, आपके मोटिव्स, आपके एटीट्यूड्स, तो क्या होता है आप उनको भी जीत जाते हैं और वो आपको दे वुड बी एबल टू विन द कंट्रोल, ठीक है। बट हाँ इसके लिए ज़रूरी है अगर आप ऑनेस्टी एंड कॉम्पिटेंट लीडरशिप हैं तो आप भी उनके साथ लॉयल रहिए, आप डिसिप्लिन में रहिए, ठीक है। तो वो क्या करते हैं एम्प्लॉयज को विद लव एंड अफेक्शन ट्रीट करते हैं, बट एट द सेम टाइम उनको एक डिसिप्लिन भी मेंटेन करना रहता है, डिस्टेंस बोलते हैं, रिस्पेक्ट रहती है। नेक्स्ट देखिए एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन में क्या इंक्लूड होता है, प्रॉपर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डेलीगेट, डेलीगेट मींस देना, अगर मैं अपना अथॉरिटी आपको दे रही हूँ तो वो प्रॉपरली डेलीगेट करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं सेल्स फोर्स को, क्योंकि उनको पता है कि कब कैसे और कहाँ पे आपको अथॉरिटी सेल्स पर्सन्स को देनी है। तो सेल्स मैनेजमेंट जो पर्सनल्स होते हैं
वो लोग क्या करते हैं, उनको टाइम टू टाइम कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दी जाती है तो साथ साथ कुछ पावर भी दी जाती है जिसके अंडर रह के वो लोग काम करते हैं. समटाइम्स डिविजन ऑफ वर्क यूज किया जाता है, आपके स्किल्स आपके नीड्स के अकॉर्डिंग आपको काम दिया जाता है. नेक्स्ट देखो इसमें नेक्स्ट है ये मैगजीन्स एंड बुलेटिन्स जो कंपनीज पब्लिश करवाती हैं किसके लिए, फॉर द सेल्समैन, उनको हमेशा मोटिवेट करने के लिए. अगर आपका उसमें क्या होता है, जब आप कहीं पे भी सेल्स के लिए जाते हैं अगर आपके पास हाथ में ब्रोशर्स होगा, मैगजीन्स होगे, बुलेटिन, आप उसको अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे एट द टाइम ऑफ सेल्स. तो मैगजीन्स और बुलेटिन्स एक बहुत अच्छा तरीका होता है अपने सेल्स को इंक्रीज करने का. तो अगर आप कहीं पे भी जा रहे हैं फॉर द सेलिंग और आपके हाथ में कंपनी की मैगजीन्स हैं, बुलेटिन्स हैं, तो आप अच्छे से कंपनी की पॉलिसीज, कंपनी के फीचर्स, कंपनी की बिल्डिंग्स, ये सब तो आप उनको शो कर सकते हैं बहुत अच्छे से. नेक्स्ट देखिए, मैगजीन्स एंड बुलेटिन्स के बाद सेल्स कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज होते हैं. स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिशन बोलते हैं इसको, पॉजिटिव अचीवमेंट. मार्केटर्स क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं मार्केट को. ठीक है, आपको टाइम टू टाइम मोटिवेट करने के लिए, आपकी कैपेबिलिटी देखने के लिए, आपकी एबिलिटी देखने के लिए आपको सेल्स को इंक्रीज करने का टारगेट दिया जाता है. नेक्स्ट देखिए, रिकॉग्निशन एंड ऑनर. रिकॉग्निशन एंड ऑनर में क्या हो जाएगा, जो कन्वेंशंस या मीटिंग्स की जाती हैं उसमें जो स्टार सेल्समैन होता है या जिसने सेल्समैन ऑफ द मंथ होता है तो उनको वहां पे ऑनर किया जाता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है. तो दूसरे के अंदर दूसरे सेल्समैन भी मोटिवेट होते हैं, यस हमको ये काम बहुत अच्छे से करना है. नेक्स्ट इसमें देखो, पर्सनल कॉरेस्पॉन्डेंस विद सेल्समैन. कभी कभी एग्जीक्यूटिव्स क्या करते हैं, खुद पर्सनल लेटर्स लिखते हैं सेल्समैन को, सबके सामने शो नहीं करते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को शो नहीं करके उनसे पर्सनली उनसे बात करते हैं अच्छे फ्रेंडली एटीट्यूड में. तो इससे क्या होता है, एक रिलेशन बनता है टॉप मैनेजमेंट और मिडिल मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट के बीच, और जो सामने वाला पर्सन है उसको ट्रस्ट भी होता है कंपनी के ऊपर. नेक्स्ट देखो, ऑटोनॉमी. ऑटोनॉमी क्या होता है, लैक ऑफ इनफ डिस्क्रिशन हैज अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयज. इसलिए कभी कभी क्या होता है, रीजनेबल मेजर ऑटोनॉमी, मतलब आपको डिसीजन मेकिंग पावर दी जाती है, अथॉरिटी दी जाती है या ऑटोनॉमी दी कि आप सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आप डिसीजंस लें और अपना सेल्स को इंक्रीज करें. नेक्स्ट देखो, एफिशिएंट सिस्टम ऑफ ग्रीवियंस रिड्रेसल. इसमें क्या होता है, एक अच्छा, अगर देखो अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में जाएंगे तो आपके कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे दूसरों के साथ, कुछ आपको प्रॉब्लम्स होंगे, ज़रूरी नहीं आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हो, आपको इन्वायरमेंट से कुछ प्रॉब्लम है, आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है काम करने में, आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे, तो एक अच्छा सिस्टम होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का. तो ये भी एक मोटिवेट करता है सेल्स पर्सन को वहाँ पर रहने के लिए और सेल्स के लिए इम्प्रूव करने के लिए. नेक्स्ट देखो, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, मोबिलिटी और एक्सप्रेशन, ग्रेट नीड ऑफ ह्यूमन बींग. इसलिए मैनेजमेंट क्या करता है, फ्रीडम देता है इंडिविजुअल्स को. समटाइम्स वो फॉर्मल हो जाते हैं, समटाइम्स वो इनफॉर्मल होते हैं. फ्रीडम, अपने फ्रेंड्स चुनिए आप, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, एसोसिएट होइए लोगों से, मिलिए, मोबिलिटी, आप कहीं पे भी जाइए, आप किसी से भी फ्रेंडशिप के लिए एक्सप्रेस कीजिए अपने फीलिंग्स को, तभी तो आप एक ऑर्गेनाइजेशन में एज अ फ्रेंडली हो पाएंगे. नेक्स्ट देखो, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट टेक्निक्स. अगर सेल्स पर्सन को हम अलाउ करते हैं डिसीजन मेकिंग में, अगर हम उनको इन्वॉल्व करते हैं तो हमको उनके आइडियाज भी पता चलेंगे, प्लस उनको भी तो लगेगा यस वी बिलोंग टू दिस ऑर्गेनाइजेशन. अगर आप अपने डिसीजंस में आपको इन्वॉल्व करते हैं तो ये एक बेस्ट वे होते हैं मोटिवेशन के. तो ये था अपना मैथड्स और टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन के, पहले नीड देखा, मीनिंग देखा.